सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं इंस्टाग्राम का ओटीपी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन का ओटीपी नहीं आ रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करें, इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि इंस्टाग्राम पर आपके जो दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन रीज़न बताने वाला हूँ, तीनों में से दोस्तों आपके एक काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करने क्या है, तो यहाँ पर मैं दोस्तों लास्ट का रीज़न आपको ध्यान से सुन लेना है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप यहाँ पर प्ले स्टोर पर ओपन कर लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। इंस्टाग्राम सर्च करोगे तो अपडेट देखने को मिलेगा। एक्चुअली में अपडेट आया है तो एक अपडेट की वजह से काफ़ी सारे एरर मिल रहे हैं, तो अपडेट कर लेना है। ये तो हो गया अपडेट की बात। अगर नहीं करते हो तो भी दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाएंगे ओटीपी। दोस्तों, अब ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है, मैं इसको अपडेट को कैंसिल कर लेता हूँ यहाँ पर, कि दोस्तों आप जिस नंबर से वेरिफिकेशन कर रहे हो वो नंबर दोस्तों आपका ऑन होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा, ठीक है। अगर फिर भी दोस्तों रिचार्ज फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, इस तरीके से प्रेस करके रखना है, नंबर सही से ध्यान रख लेना है और यहाँ पर आई वाले बटन पर जाना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों, जो है वो है डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज क्लियर डाटा नहीं बोल रहा हूँ मैं, डाटा स्टोरेज ध्यान से सुन लेना। ये दोनों एप्लीकेशन अगर ऑन है तो आपके ओटीपी नहीं आने वाले हैं, तो इन दोनों को ऑफ़ करना है। दोनों को ऑफ़ करोगे तो यहाँ पर आपको मैसेज रिसीव होगा और आपके दोस्तों वेरिफिकेशन का ओटीपी चला जाएगा कोड, और आप कोड को डाल के यहाँ पर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के अंदर बाइंड कर देना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप अगर सोल्व करोगे तो आपके जो दोस्तों 100% यहाँ पर वर्क करने लग जाएगी ये ट्रिक। अगर ये आपको गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।